साईयो। वहीनी आ गई आप, पूजा हो गई है, पाठ शुरू करें। एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा पश्यैता दुष्टमैव विशनत्यो मद्विभूतः ततः समस्तस्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्य देव्यस्तनो जगमुरे के वासित दाम्बिका। फिर देवी ने कहा, इस संसार में एक मैं ही हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। ए दुष्ट शुंभ, ये देख, ये सारी शक्तियां मेरी ही हैं, जो मुझ में ही प्रवेश कर रही है। और ऐसा कहने के पश्चात ब्रह्माणी को प्रमुख रख सभी देवी के शरीर में लीन हो गई और केवल अंबिका रह गई। जब इतनी सारी देवी शक्तियां एक ही देवी में लीन हो तो वो देवी कितनी शक्तिशाली हो गई होगी। शुंभ और माँ दुर्गा के इस युद्ध के प्रसंग से हमें यही तो सीखने को मिलता है कि हमारी शक्ति एकता में है, संगठित होने में है। जब हर स्त्री दूसरी स्त्री का साथ देगी तो कोई भी संकट हमें पराजित नहीं कर सकता है। बोलो अम्बे मात की जय। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको धन्यवाद कैसे करूं। अगर आज आप नहीं आती तो ये पार्ट तो संभव ही नहीं होता, और अगर पार्ट नहीं होता तो आपको जानने का मौका भी नहीं मिलता। ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। आज पार्ट के लिए कोई ब्राह्मण आते तो मैं उन्हें दक्षिणा जरूर देती, पर आपको आपको मैं क्या दे सकती हूँ, आप ही बताइए मुझे। मांगना तो मैं भी चाहती हूँ आपसे कुछ, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे कहूँ। संकोच मत कीजिए, मांगिए ना। मैं वो मैं साईं से मिलना चाहती हूँ। कोई सहायता चाहिए आपको? सब ठीक है ना? हाँ सब अच्छा है, बस मुझे उन्हें एक बात के लिए धन्यवाद कहना है। द्वारका माई जाना है तो देर किस बात की, अभी चलते हैं। हाँ दो साई तुम ही पार, काम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे। राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। राम की चले निरंतर धुन यूं ही मन में सुबह हो शाम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण
करुणा मैं जो सर्वोपरि हूँ, निर्बल का जो बने सहारा हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा रुक्मिणी। मैं जब जब मुश्किल में थी आपने मुझे बचाया, आपने मेरी रक्षा की। तुमने राम कृष्ण हरि का आह्वान किया तो मैं तुम्हारी मदद कैसे नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि आप भी साईं की भक्त हैं, लेकिन कुलकर्णी सरकार तो। हाँ, वो आपके विरुद्ध हैं और यहां आज तक आपने जो भी विरोध सहा है उसके लिए भी वही जिम्मेदार है, लेकिन उस बात के लिए आपने कभी भी मेरी मदद करने में बाधा नहीं आने दी। क्या आप उनकी मदद नहीं कर सकते? उनके मन में आपके लिए जो द्वेष है, क्या आप उसे दूर नहीं कर सकते? अहंकार से भरे मन का परिवर्तन कठिन होता है। कठिन होता है, लेकिन असंभव तो नहीं ना। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ जिससे उनके मन में परिवर्तन के बीज तो फूटे? राम कृष्ण हरि का जो जाप तुम करती हो वही करती रहो, समय आने पर सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। माँ यहाँ क्या कर रही है? कहीं पिताजी को पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ आया हूँ? केशव आओ। केशव, तो मैंने इनका नाम सुना था ना आपके मुंह से, तो मुझे देखने का मन किया कि कौन है ये, और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं द्वारका माई को सजाने के लिए सबकी मदद कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर जल्दी लौट आना, ठीक है? तो क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं है? मैं तो बहुत डर गया था, इसलिए मैं यहाँ पे छुप गया था। कभी कभी हम उन चीजों से डरने लगते हैं जिनसे डरने की हमें कोई जरूरत ही नहीं होती है, जैसे माँ का गुस्सा। माँ का गुस्सा भी उसकी चिंता का एक रूप है, उसके प्रेम का एक रूप है, उसकी ममता का एक रूप है। इसीलिए कभी भी डर के माँ से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। माँ सही गलत का भेद बता देगी। अगर कभी कुछ गलत कर भी दिया तो माँ सही रास्ते पर ले आएगी। साईं, घर लौटने का समय हो गया है। गृह
गृहस्थ धर्म का पालन करो, जरूर करो, लेकिन सही और गलत का भेद बड़ों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना इन बच्चों के लिए। अगर कुछ गलत होता देख हम उसे देखते रहें, उसे सहते रहें, तो भले ही हमारे मन में किसी भी धर्म का भाव हो, उस गलत में हम भी उतने ही भागीदार होते हैं। आपका इशारा किस ओर है साईं? परीक्षा, एक और परीक्षा। मैंने वो आपसे साईं के बारे में सुनते हुए देखा था ना, अब विद्यालय में सब साईं की ही बात करते हैं, इसलिए मैं साईं के पास चला गया था। लेकिन आप वहाँ कैसे चली गई थी? कहीं पिताजी को पता? बातें हो रही थी माँ बेटे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये तुम जाओ। करियों, कैसा चल रहा है पाठ तुम्हारा? बस अच्छा। चलिए चियुताई, तैयार है आप? अईगा, फिर से आ गई। 9 दिन तक नए नए बहाने बनाती फिरूं क्या? क्या कर रही हैं आप चियुताई? क्या? आई 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 आई, अटक गई, अटक गई, अटक गई। मैं चुचुड़ी निकालने के लिए झुकी और अटक गई, कमर में मोच आ गई मेरे। आई आइए, मैं मदद कर देती हूँ। मैं कर लूंगी, वही नहीं हाथ मत लगाओ, बहुत दर्द हो रहा है। वहीं तुम जाओ, पाठ के लिए देर हो जाएगी तुम्हें। आईगा, मैं कर लूंगी। जाओ, आई आई। ठीक है, जाओ। आई लेकिन जल्दी आना वहीं, देर मत करना। देर से आओ, मुझे क्या। चले पार्ट के लिए नहीं जाने क्यों थे? मैं
अरे मैं साथ न चलने के नए नए बहाने बना रही हूँ रोज, और ये मान भी जाती है? ऐसा क्यों नहीं कहती कि चलो चिताई साथ चलो? मैं नहीं जाना चाहती, ये तो मैं समझती हूँ, लेकिन इसे मुझे ले जाने में दिलचस्पी क्यों नहीं है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? मैंने शोर किया तो ये भाग जाएगा, लेकिन ये है कौन? झिपरी, तुम दोनों धूप में मत खेलो, अंदर जाके खेलो। ठीक तो है ना? कौन था वो? पता नहीं। तो मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। कहीं कुलकर्णी सरकार ने तो नहीं भेजा था उसे मुझ पे नजर रखने के लिए? मुझे जाना होगा बायजाक का। केशव, चलो जल्दी चलो। अब कहीं ऐसा ना हो कि कुलकर्णी सरकार वहीनी के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दे। काश मैं उनकी मदद कर पाती। नहीं भाईसामा, इस जीवन में हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। साईं, जब उसने मुझे धक्का दिया तो मुझे ऐसा लगा उसके पास कोई हथियार था। कहीं उसके यहाँ आने के पीछे कोई और मकसद तो नहीं था? भाईसामा, अगर किसी की नियति में यहाँ आना है तो मैं और तुम उसे रोक नहीं सकते।
क्या कहा था मैंने तुझसे? हाँ? क्या कहा था? फिर भी तू कल देर से लौटी और आज भी। मैंने तुझसे ये भी कहा था कि चीयू को तो साथ में लेके जाएगी, लेकिन तूने उसे आने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे आदेश की अवमानना तुमने रुक्मिणी? प्रियोम! अरे दादा, एक बार नहीं, दो दो बार मना किया, कहा कि घर पे ही रहना। अब बोलो, उत्तर दो रुक्मिणी। चीयू ने यह भी पता कर लिया कि स्त्रियां तो कब की अपने अपने घर लौट चुकी है, तो देर क्यों हो गए रुक्मिणी, बताओ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.